सजीसुतांसार भक्तवृंदवंद्यं गौरभावचित्त पद्म मध्य कृष्ण सुबल्लवं मुकुंद गौर रूपिणं स्वभाव धर्मदायकं भजाम्यहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभुं निकुंज सेवनाधिकं प्रकाशनेक स्वरूपं सदाखर सखिरते प्रदं महारास स्वरूपकं सदा सितांग्रि पुंडरीकं प्रदं सद्गुरुं वरं भजाम्यहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभुं महाप्रभोर महारास प्रकाशनांकुरं प्रियं सदा महारसांकुर प्रकाशनादिवाससं महाप्रभुर ब्रजांगनादि भावमोदकारकं भजाम्यहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभुं द्विजेन्द्र बृंद वंद्यं पादयुग्म भक्तिवर्धकं निजे सुराधिकात्मता बभुः प्रकाशनाग्रहं अशेष भक्ति शास्त्र शिक्षयो ज्वलामृत पदं भजाम्यहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभुं मुदा निज प्रियादिकं स्वपाद पद्म सिधुभि महारसन्नवामृत प्रदिष्ट गौर भक्तिदं सदा सात्विकान्वितं निजेष्ट भक्तिदायकं भजाम्यहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभुं यदि यदि राग रंग भंग दिग्धमानसो नरोपि जाति दुर्नवेव नार्य भाव भाजनं समुज्ज्वलाक्त चित्त नेतो चित्तमत्त षट्पदो भजाम्यहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभुं महारसामृतपदं सदा गदाधराष्टकं पठेत्तु यः सुभक्तितो ब्रजांगनगणोत्सवं सचितनुजपादपद्म भक्तिरत्नयोग्यतां लभेतराधिका गदा ददांग्री पद्म सेवया। आज श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह श्री गदाधर पंडित प्रभु जी का आविर्वाद तिथि पूजा महामहोत्सव है। श्री गदाधर पंडित प्रभु जी बामे गदा गदाधर आरती कसो, जिस प्रकार से श्री कृष्ण के बाम पार्श्व में सदा वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधारानी विराजमान रहती है, क्योंकि वे श्याम सुंदर वल्लभा है, वे नंदन नंदन वल्लभा है, वे कृष्ण वल्लभा है। ठीक उसी प्रकार श्री गदाधर पंडित गोस्वामी वे गौर वल्लभा है, इसलिए वे भी सदा श्रीमन महाप्रभु जी के बाम पार्श्व में ही अवस्थित रहती है। गौरगण देश दीपिका में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के विषय में इस प्रकार वर्णन है, श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधर गौरवल्लभ पंडिताख्यक
निर्मितः से स्वरूपैर्यौ ब्रजलक्ष्मी तया यथा पुरा वृंदावन लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभा सद्य गौर प्रेम लक्ष्मी श्री गदाधर पंडित राधा मनुगता यत यत लीलाप्यनुराधिका अतः प्रवेश देशां तम गौर चंद्रोदय यथा गदाधर पंडितादि प्रभु निज शक्ति ता सवार चरण मोर सहस्र प्रणति। भगवान सचिनंदन श्री गौरहरि श्री चैतन्य देव विशेष रूप से छह तत्व में छह रूप में विलास करते हैं। कौन सा छह रूप में? यद्यपि श्री चैतन्य देव वे स्वयं अद्वैत ज्ञान तत्व है, फिर भी लीला वैचित्र के अनुसार अथवा रस वैचित्र के तारतम्य के अनुसार श्री चैतन्य देव छह तत्व में अपने आप को प्रकाश करते हैं अथवा छह तत्व में वे विलास करते हैं। क्या? श्री गुरु, गुरु अर्थात दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के रूप में, ईश्वर भक्त के रूप में, स्वयं ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में, प्रकाश के रूप में और शक्ति के रूप में, ये छह प्रकार रूप में भगवत तत्व विलास करते हैं। श्री गौर नारायण जी की शक्ति लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया है, ठीक उसी प्रकार श्री गौर कृष्ण की शक्ति गदाधर पंडित गोस्वामी है। जैसे हम लोग पंच तत्व के प्रणाम मंत्र में ये प्रणाम करते हैं कि पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं सचिनंदन श्री गौरहरि श्री गौरांग देव श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत आचार्य प्रभु श्री गदाधर प्रभु और श्रीवास आदि भक्त वृंद ये पंच तत्व के रूप में प्रकाशित होते हैं, लेकिन लीला विचित्री से रस के तारतम्य के अनुसार अगर अलग अलग होने पर भी वस्तुतः ये एक ही तत्व है। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंच तत्व लैया करें संकीर्तन रंगे पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रसाद दे तत्व विविध विकेश एक ही तत्व होने पर भी रस आस्वादन के उद्देश्य से विचित्र विचित्र लीलाओं को प्रकाश करने के उद्देश्य से वे एक ही तत्व भक्त के रूप में भक्त स्वरूप में भक्तावतार में भक्त शक्ति में और शुद्ध भक्त के रूप में ये पांच रूप में अपने आप को व्यक्त करती है। बल्कि गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के जितने भी अंतरंग भक्त थे वो अंतरंग भक्तों में से सबसे प्रधान भक्त है श्री गदाधर पंडित गोस्वामी। जिस प्रकार से ब्रजंगनाओं में से सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधारानी है, परम मधुर साश्रित होकर के नित्य निरंतर श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए प्रयासरत है, उसी प्रकार मधुर साश्रित श्री गौर कृष्ण को भी श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी सर्व प्रधाना भक्त के रूप में उनको आनंद प्रदान करती है।
बल्कि यही शक्ति तत्व मूल रूप से प्रकाशित हुई है। जितने भी शक्ति तत्व है, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी तमाम शक्तियों के उद्गार है, मूल तत्व है, उसी प्रकार गदाधर पंडित गोस्वामी भी समस्त शक्ति तत्वों के मूल है। ऐसा श्री नवदीप लीला में और नीलाचल लीला में, दोनों लीला में ऐसा वर्णित है, ऐसा प्रकाश है। बोलते वे गदाधर पंडित कहाँ रहते थे? बोलते इनका निवास स्थान इस नवदीप नगर में ही था। बाद में वे जब नीलाचल में क्षेत्र संन्यास लेकर के वहाँ टोटा में उपवन में रहने लगे, श्री टोटा गोपीनाथ जी के सभा में अपने आप को समर्पित करके, बोलते श्री राधा गोविंद जी के मधुर रस के भजन करने वाले गदाधर पंडित जी का आश्रय लेते हैं। क्यों लेते हैं? जिस प्रकार से मधुर रसाश्रित भक्त जन श्रीमती राधा रानी के आश्रय को छोड़ करके मधुर रस का आस्वादन नहीं कर सकते, बल्कि इसी प्रकार श्री राधा गोविंद जी के मधुर रस के अनुगत भक्त जन, जो लोग मधुर रस में अनुतप्त होकर के मधुर रसाश्रित भजन करना चाहते हैं, वे भी श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के अनुगत्य में ही करते हैं। किस लिए करते हैं? बोलते हैं गदाधर पंडित गोस्वामी जी का श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति इतना आंतरिक भाव है, उनके हृदय में श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति इतना प्रेम है, बल्कि श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति गदाधर पंडित गोस्वामी जी का इस प्रकार अनन्य प्रेम को देख करके समस्त भक्तगण गदाधर पंडित गोस्वामी जी के अनुगत्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भक्त लोग मधुर रस से अपने आप को थोड़ा सा पृथक रखना चाहते हैं, बल्कि वे लोग श्री नित्यानंद प्रभु जी के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति करते हैं। इसलिए नरहरि सरकार ठाकुर है, नरहरि आदि करी चामर डुलाए, ये समस्त भक्तगण श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के अनुगत्य में ही थे। बोलते गौरांग महाप्रभु जी जिनका इतना माधुर्य है, इतना ऐश्वर्य है, उनके प्रति आकृष्ट नहीं होकर के फिर वे गदाधर पंडित जी के प्रति आकृष्ट क्यों हुए? क्योंकि वे सब भक्त जानते थे, अनुभव करते थे कि गदाधर पंडित जी का सबसे प्रिय कौन है? श्री गौर सुंदर। आकर्षित तो हुए हैं गदाधर पंडित गोस्वामी जी के प्रति, लेकिन गदाधर पंडित जी के सबसे प्रिय से गौर सुंदर होने के कारण वे गौरांग महाप्रभु जी का आश्रय लिए। गौरांग महाप्रभु जी के ऐश्वर्य को देख करके, माधुर्य को देख करके, उनके भगवत्ता को देख करके नहीं, कि हम जिसको श्रद्धा करते हैं श्री गदाधर पंडित गोस्वामी, उनका इतना प्रेम है सचिनंदन गौरहरि के प्रति, इसलिए वे गौरांग महाप्रभु जी का आश्रय लेते हैं। इसलिए कोई कोई यहाँ तक कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी को नित्यानंद जीवन और गदाधर जीवन भी कहते हैं। नित्यानंद प्रभु और गदाधर गोस्वामी प्रभु, जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी के सर्वांतकरण के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी को नित्यानंद जीवन के रूप में कहते हैं और गदाधर जीवन के रूप में भी कहते हैं।
और गदाधर पंडित गोस्वामी जी का इतना प्रियता के पात्र है श्रीमन महाप्रभु, इसलिए उनको क्या कहते हैं, गदाधरेर प्राणनाथ, गदाधर जी के प्राणनाथ के रूप में गोस्वामी गण वंदन करते हैं। बोलते वे गदाधर गोस्वामी जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। बोलते 1408 शताब्द में, आज के ये बैसाखी अमावस्या तिथि में चट्टकार बेलेट नामक स्थान है, अभी तो बांग्ला पूर्व बांग्ला में हो गया, बांग्लादेश में है, वहाँ पर बारेंद्र ब्राह्मण वंश में ये गदाधर पंडित गोस्वामी जी प्रकट हुए थे। इनके पिता का नाम था श्री माधव मिश्र और माता श्री का नाम था श्री रत्ना देवी। इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था श्री वाणीनाथ, देवी श्रीमन महाप्रभु जी के परम भक्त। बोलते हैं कश्यप गोत्र में इनका जन्म हुआ था और ये 12 वर्ष तक वहीं पर बेलेट में, चट्टग्राम बेलेट में ही वहीं पर निवास किया। 12 वर्ष के बाद ये सब परिवार श्री नवद्वीप धाम में आ गए थे, लेकिन गदाधर गोस्वामी प्रभु वे आजीवन ब्रह्मचारी थे। शैशव काल से ही गदाधर पंडित गोस्वामी जी का विषय के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं था, विषय के प्रति वे परम विरक्त थे। विषय के प्रति ऐसे परम विरक्त भाव को देख करके श्री माधवेंद्रपुरी जी के प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरीपाद जी ने उनको अत्यधिक स्नेहाविष्ट होकर के अपनी स्वरचित श्री कृष्ण लीला मृत ग्रंथ अध्ययन करने को उनको प्रदान किया था ईश्वरपुरीपाद ने गदाधर गोस्वामी जी को। बोलते हैं जब श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री नवद्वीप में विद्या विलास आरंभ किया था तो उस समय पूरे भारत में, केवल नवद्वीप में है, क्यों पूरे भारत में ऐसा कोई पंडित नहीं था जो कि श्रीमन महाप्रभु के साथ तर्क कर सके। सब श्रीमन महाप्रभु जी को देख के इसीलिए भाग जाते थे कि अभी तर्क करेगा, उनकी तर्क से भयभीत होकर के सब चले जाते थे। क्यों? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु सामने वाला के मत को खंडन करके तुरंत फिर उस मत को स्थापन कर देते थे। ऐसा करना बहुत असंभव है, लेकिन श्री मुकुंद दत्त, श्रीवास प्रभु, ये सब भक्त वृंद क्या करते थे, केवल श्री कृष्ण नाम रस का पान करते करते भी आनंद में रहते थे और श्रीमन महाप्रभु जी सामने से आते हुए देख करके इसलिए भी भयभीत होते थे कि निमाई पंडित आ रहा है, सावधान हो जाओ। सब भयभीत हो जाते हैं महाप्रभु जी को देख करके, क्योंकि निमाई पंडित उस समय, निमाई पंडित के नाम से पूरा नवद्वीप तर्क के नाम से डरता था। लेकिन एक दिन श्री निमाई पंडित ने श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी को देख करके और रास्ते घाटे में चलते चलते ही तर्क करने को बैठ जाते थे, तो वहाँ पर गदाधर पंडित गोस्वामी जी को देख करके वे उनसे पूछते हैं कि गदाधर तुम मुक्ति के लक्षण बताओ। तब गदाधर जी ने न्याय शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि आत्यंतिक दुख के निवृत्ति को ही मुक्ति का लक्षण के रूप में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तब निमाई पंडित जी ने गदाधर पंडित जी के उस उक्ति को खंडन करके वे स्वयं मुक्ति के कई प्रकार के लक्षणों का वर्णन करती है। बल्कि श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीमुख से मुक्ति शब्द का ऐसा
ऐसा अद्भुत व्याख्या को सुन करके वहाँ जितने भी भक्त लोग थे वे सब विस्मित तो हो गए, लेकिन वे सब मन ही मन यही सोचते अगर निमाई पंडित कृष्ण भक्त होता तो क्या नहीं होता। स्वयं कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्त होता तो क्या नहीं होता। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु जी गया से वापिस आए, तो गया से वापिस आने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी के श्री अंग में इस प्रकार प्रेम के विकार को देख करके, ऐसा अद्भुत प्रेम को देख करके समस्त नवद्वीप वासी भक्त जन आश्चर्यचकित हो गए। और विशेष रूप से श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के उस प्रेम विकार को साक्षात दर्शन करके सबके सामने वे वर्णन किया कि महाप्रभु जी के शरीर में जो उत्पन्न प्रेम है, प्रेम की जो विकार है, और उन विकारों में जो भक्ति का रस प्रद्भुत हो रहा है, उसको गदाधर गोस्वामी जी ने अनुभव किया, दर्शन किया। और गदाधर गोस्वामी जी के मुख से श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसे अष्ट सात्विक प्रेम के विकार की बात को सुन करके जो भक्तजन डरते थे निमाई पंडित बोल के, वे परम उल्लासित हुए, परम आनंदित हुए। एक दिन अपना स्वरूप का प्रकाश करते करने की इच्छा करके श्रीमन महाप्रभु जी श्री नीलांबर चक्रवर्ती के घर में सबको आने के लिए बुलाते हैं, सबको निमंत्रण किया कि ये लोग इतना दिन से तर्क करता है निमाही पंडित के नाम से, सब मेरे से थोड़ा सा डरते हैं, इसलिए अपने स्वरूप का प्रकाश करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों को नीलांबर चक्रवर्ती के घर में, नीलांबर ब्रह्मचारी के घर में, चक्रवर्ती तो उनके मामा थे, नीलांबर ब्रह्मचारी के घर में सबको बुलाया। तो इस बात को सुनकर के सब भक्त लोग तो आए, लेकिन गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने वहाँ पहले से जाकर के नीलांबर ब्रह्मचारी के घर में छुप गए थे, और वे छुप करके श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में जो उन्मत्तता का भाव है, प्रेम का जो विकार है, श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रदर्शन करके सबको दिखाया। और उसको देख करके गदाधर गोस्वामी जी मूर्छित हो गए कि प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है, प्रेम का विकार ऐसा होता है, और वो भी स्वयं भगवान के शरीर में, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ऐसा प्रेम का विकार। तो उस प्रेम के स्वरूप को देख करके पंडित गोस्वामी जी, गदाधर गोस्वामी जी मूर्छित होकर के गिर गए। तब गदाधर जी के उस मूर्छित अवस्था को देख करके श्रीमान महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले गदाधर तुम्ही से सुकृति शिशु होते कृष्ण ठाई करिला दृढ़मती, आमार से हेन जन्म गेलो वृथा तर से पाइनु अमूल्य निधि गेला दैव दोषे। श्रीमन महाप्रभु जी उस प्रकार प्रेम विकार को देख करके, मूर्छित अवस्था को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि गदाधर आप बड़े सुकृतिशाली हो, क्यों? क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति आपके हृदय में जो एक दृढ़ता है, दृढ़ मति है, दृढ़ बुद्धि है, उसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हो। लेकिन स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो वृथा चला गया, वृथा रस में ही मेरा जीवन व्यतीत हो गया, मैंने जो अनमोल निधि प्राप्त किया था परंतु
दैव दोष के कारण वे निधि भी वे रत्न भी अपने हाथ से निकल गया। अर्थात श्रीमन महाप्रभु किस उद्देश्य से बोल रहे हैं कि देखो प्रेम का विकार होना, अष्ट सात्विक विकार को प्राप्त करना, स्वयं प्राप्त करना तो अलग बात है, लेकिन उस प्रेम के विकार को देख करके अगर और कोई मूर्छित हो जाता है, उस भी विकार में वो भी लग जाता है, संलग्न हो जाता है, तो उससे देखने वाले के विकार को, श्रेष्ठता को प्रदर्शन करने के लिए श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं, गदाधर तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि बाल्यकाल से श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा ऐसा प्रेम है। श्रीमान महाप्रभु जी जब प्रेम में अत्यधिक उन्मत्त हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे प्रेम के कारण, ना स्थल दिखता ना जल दिखता, ना शरीर में वसन के अनुभव होता ना दिगंबर के अनुभव होता, ना भूख का अनुभव होता ना प्यास का अनुभव होता, तो इस प्रकार प्रेम की अवस्था में, उन्मत्त अवस्था में केवल गदाधर पंडित गोस्वामी जी ही श्रीमन महाप्रभु जी को श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण रस कथा सुना 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 करके शांत करते थे। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में गदाधर पंडित गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु जी से कहा कि प्रभु आप तो हमेशा अपने प्राणनाथ को खोज रहे हो, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, आप इतना करुण विलाप करते हो आपके उस प्राणनाथ को खोजते खोजते, लेकिन आपके प्राणनाथ तो आपके हृदय में विराजमान है, आप कहाँ ढूंढ रहे हो। जैसे ही गदाधर पंडित गोस्वामी जी के मुख से हृदय में प्राणनाथ होने की बात को सुना तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने छाती को फाड़ने के लिए उद्यत हुए कि मैं मेरे प्राणनाथ को सामने निकाल दूंगा। तो महाप्रभु जी के ऐसे उद्यता को देख करके सची माता बेतु पुत्र स्नेह के कारण एकदम रोने लगी, भयभीत हो गई कि ये क्या कर रहा है मेरा पुत्र। तब गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने श्रीमान महाप्रभु जी को फिर समझा करके शांत किया। तब सची माता कहती है, गदाधर तुम मेरे पुत्र को, निमाई को छोड़ करके कभी नहीं रहना, अर्थात हमेशा उसके साथ ही रहना। एक दिन ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रेम के आवेश के कारण अपने परम प्रिय पार्षद श्री पुंडरी विद्यानिधि का नाम ले रहे हैं। प्रेम के आवेश में बोलते हैं, पुंडरी रे, बाप रे, धन रे, ऐसे कहते कहते श्रीमन महाप्रभु जी क्रंदन कर रहे हैं पुंडरिक का नाम ले लेकर के। तो श्रीमन महाप्रभु रहते रहते कह रहे हैं कि देखो कि श्रीमन महाप्रभु जी ये पुंडरिक पुंडरिक बोल के क्यों रो रहे हैं, आखिर ये पुंडरिक है कौन, कहाँ रहता है, उसके नाम लेके महाप्रभु इतना उन्मत्त क्यों हो रहे हैं। जब सब भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु जी से उसका रहस्य पूछा कि पुंडरिक कौन है, तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, पुंडरिक का परिचय दिया और कहते हैं कि पुंडरिक भी अति शीघ्र यहाँ मायापुर में आएंगे। अभी कितना दूर का रिश्ता है, जो महाप्रभु जी के स्वयं के पार्षद लोग हैं वो भी पुंडरिक को जानते नहीं थे अभी तक, और महाप्रभु पुंडरिक पुंडरिक बोल के रो रहे हैं, तो सब लोग आश्चर्य हो गए। बोलते हैं, पुंडरिक अभी यहाँ नवद्वीप में आ रहा है, आएगा। और वास्तव में श्रीमन महाप्रभु जी के उस कथा के अनुसार
पुंडरिक विद्यानिधि प्रभु नवद्वीप में आए, लेकिन वे अपने आप को गुप्त रखने के लिए अत्यंत भोगी व्यक्तियों के जैसा लीला का अभिनय करने लगे कि मेरे उस आचरण को देख करके, मेरे उस जीवन जीने का तरीका को देख करके कोई ना समझ पाए कि ये इतनी प्रेम की अधिकारी है, इसलिए अपने आप को वो छुपाते थे। लेकिन श्री मुकुंद दत्तम और वासुदेव दत्तम ये कौन थे? ये चट्टग्रामवासी थे। ये चट्टग्रामवासी मुकुंद दत्त वासुदेव दत्तम ये दोनों भाई से पुंडरिक विद्यानिधि जी के महिमा से परिचित थे, अच्छी तरह से जानते थे। कौन थे? बोलते कृष्ण लीला में जो श्रीमती राधारानी के पिता ब्रिश्वानु महाराज थे, ब्रिश्वानु राज ही इस गौर लीला में पुंडरिक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए एक दिन श्री मुकुंद श्री गदाधर पंडित गोस्वामी को इसीलिए बोल करके पुंडरिक विद्यानिधि के पास ले गए कि चलो आज मैं तुमको एक अद्भुत श्रेष्ठ वैष्णव का दर्शन कराऊंगा। ऐसे बोल करके श्री मुकुंद दत्त गदाधर जी को पुंडरिक विद्यानिधि जी के वहाँ ले गए। तो वहाँ पर मुकुंद जी के द्वारा गदाधर पंडित का परिचय प्रदान किया गया। तो पुंडरिक विद्यानिधि प्रभु ने श्री गदाधर पंडित जी के देख करके कि ये श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम के पात्र हैं, महाप्रभु जी के प्रति इनका इतना दृढ़ता मती है, ऐसा देख करके सुन करके वे उनको परम उल्लास से आलिंगन किया और वार्तालाप करने लगे। लेकिन गदाधर पंडित देखते हैं कि पुंडरिक विद्यानिधि इतना भोग विलास में है, उनका जो पलंग है पलंग में बल्कि दूध के फैन के जैसा सफेद कोमल सजिया है, उसमें विद्यानिधि जी बैठे हुए हैं और पलंग के चारों तरफ इत्र छिटका हुआ है, इत्र का खुशबू आ रहा है और हुक्का सुना, हुक्का ऐसे लंबी लंबी नाल के साथ होता है, वो हुक्का पी रहे हैं और उनके पान खा के थूकने के लिए जो होता ना पिकदान, वो भी सोने का है और हुक्का पी रहे हैं। तो विरक्त स्वभाव के गदाधर पंडित गोस्वामी जी इस प्रकार के उनके जीवन शैली को देख करके उनके मन में संशय हुआ कि भला साधु भी इस प्रकार का होता है, भक्त भी भला इस प्रकार इतनी भोग विलास में रहता है। ऐसा सोच करके गदाधर पंडित गोस्वामी जी के मन में थोड़ा संशय हुआ। तो गदाधर पंडित जी के मन में ऐसा अश्रद्धा का भाव को देख करके मुकुंद बेबी थोड़ा सा सोच में पड़ गए, अरे मैं इनको बोल के लाया था कि मैं तुमको एक श्रेष्ठ वैष्णव एक उत्तम वैष्णव का दर्शन कराऊंगा, लेकिन इनका इनके देख करके इनके मन में एक अश्रद्धा का भाव जागृत हो गया। वे चिंतित होकर के बोलते विद्यानिधि प्रभु जी के महिमा को प्रकाश करने के लिए श्री मुकुंद श्रीमद भागवतम का श्री कृष्ण महिमा से संप्लुत एक श्लोक बताते हैं। अहो बकियम स्तन काल कुटम जिघाम सया पायद पिशाद्री लेभे गतिम धात्र चिताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। बोलते हैं वो श्लोक को सुनने मात्र से ही विद्यानिधि प्रभु
हा कृष्ण हा कृष्ण हा प्रणाद बोल करके मूर्छित होकर के जमी भूमि में लोटपोट कर रहे हैं। अलौकिक अष्ट सात्विक प्रकार उनके प्रत्येक अंग में दिखाई देने लगा और उनके रोम रोम से हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण ऐसा आवाज आने लगा। तो ऐसी विकार को देखकर के गदाधर पंडित गोस्वामी प्रभु भी अत्यधिक विस्मित हो गए और बोलते मैं इनको देख करके मेरे मन में संशय हुआ था, संशय के कारण इनके चरण में मेरा अपराध हुआ है। तो उस अपराध को लेकर के वे मन ही मन अत्यंत अनुतप्त होने लगे, दुखी प्रकाश करने लगे। बाद में श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देश के अनुसार श्री गदाधर गोस्वामी प्रभु जी ने अपने इस अपराध को मार्जन करने के लिए पुंडरीक गोस्वामी जी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया था, यानी से दीक्षा ग्रहण किया था। बोलते गदाधर पंडित गोस्वामी ये श्रीमन महाप्रभु जी के अत्यंत हृदय के चिर संगीत थे। प्रायशः जितना भी श्रीमन महाप्रभु जी का लीला हुआ, चाहे नवद्वीप में हुआ चाहे नीलाचल में हुआ, प्रत्येक जगह में उनके चिर संगी गदाधर पंडित श्रीमन महाप्रभु जी के साथ में रहते। जब जगाई माधाई का उद्धार हुआ, उद्धार जगाई माधाई का उद्धार करने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी के साथ जो जलकीड़ा हुआ था, उस जलकीड़ा के समय में गदाधर पंडित जी थे। चंद्रशेखर आचार्य जी के भवन में जब जब श्रीमन महाप्रभु जी नाम राज करते थे, नाम का राज करते थे, प्रत्येक समय गदाधर पंडित उनके साथ ही रहते थे। श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ पर ब्रज लीला का जो अभिनय करते थे, उस नाटक करने के समय भी गदाधर पंडित उनके साथ रहते थे। श्रीवास अंगन में जो महानाम संकीर्तन होता था, महाप्रकाश लीला होता था, उस महाप्रकाश लीला के समय भी गदाधर पंडित गोस्वामी जी वहाँ आते थे। ऐसे काली उद्धार लीला के समय में, श्रीमन महाप्रभु जी का संन्यास लीला के समय में, नीलाचल गमन के समय में, गुंडीचा मंदिर मार्जन के समय में, नरेंद्र सरोवर में जो जलकेली होता उस समय में, बोलते प्रत्येक लीला में गदाधर पंडित गोस्वामी जी श्रीमान महाप्रभु जी के साथ ही थे। बोलते चंद्रशेखर आचार्य जी के भवन में जब ब्रज के लीलाओं का वहाँ मंचन हो रहा था, तो वहाँ पर गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने भी अभिनय किया था। उसी समय प्रथम प्रहर में जो लीला होता था, श्री हरिदास जी ने कोतवाल का अभिनय, श्रीवास पंडित जी ने नारद का, और श्रीमन महाप्रभु जी ने रुक्मिणी का वेश धारण करके वहाँ अभिनय किया था प्रथम प्रहर में। द्वितीय प्रहर की लीला में श्री गदाधर जी ने रमा का वेश धारण किया था, रमा अर्थात लक्ष्मी का वेश धारण करके भी अभिनय किया था। तो गदाधर जी ने उस रमा के बेस में, लक्ष्मी के बेस में जो नृत्य किया था, बोलते उस नृत्य को देख करके सभी लोग प्रेम में उन्मत्त हो गए थे और स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी भी गदाधर पंडित जी का उस रमा के भाव में उन्मत्तता को प्राप्त करके उस नृत्य को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी भी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। और उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी ने गदाधर जी के संबंध में कहा था कि श्री गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार। बोलते ये जो गदाधर है ये मेरे वैकुंठ के परिवार के सदस्य है। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी ने आद्याशक्ति का वेश धारण किया, जगत जननी का वेश धारण किया,
और जगत जननी का वेश धारण करके श्रीमान महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों को आनंद प्रदान किया और भक्तगण भी श्रीमान महाप्रभु जी के उस आद्याशक्ति स्वरूप को देख करके सब लोग स्तुति करने लगे, स्तब करने लगे। बोलते श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी जब पुरुषोत्तम धाम में संन्यास लेने पर श्री टटा गोपीनाथ जी के सेवा में नियुक्त हुए थे, उसी समय श्रीमान महाप्रभु जी ने उनको निर्देश दिया था, पत्र सारे उठा दो, क्या निर्देश दिया था? श्रीमान महाप्रभु जी ने स्वयं उनको टोटा गोपीनाथ जी के सेवा को प्रदान किया था और वहाँ जो टोटा है उसको यमेश्वर टोटा के नाम से सब लोग जानते थे पहले। यमेश्वर टोटा, टोटा मतलब उपवन, हाँ हाँ, यमेश्वर शिव जी है ना, उसको शिव जी का उपवन के नाम से वो व्याख्यात है। तो उस यमेश्वर टोटा में, यमेश्वर के उपवन में रहने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित गोस्वामी जी को उपदेश दिया था। जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु नीलाचल में आए और जैसे ही ये खबर गदाधर पंडित गोस्वामी जी के कानों में गया तो वे श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी से मिलने के लिए जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ दौड़ के गए और नित्यानंद प्रभु जी को भी टोटा गोपीनाथ में आ करके प्रसाद सेवन करने के लिए निमंत्रण किया और अपने परम प्रिय पार्षद गदाधर जी के उस निमंत्रण को श्री नित्यानंद प्रभु जी ने सहर्ष स्वीकार किया। बोलते हैं गदाधर नित्यानंद प्रभु जी ने जी के साथ और भी जो भक्त लोग आए थे वे सब गौड़ देश से आते हुए, गौड़ देश से सरू सरू एकदम बासमती चावल पतला पतला वहाँ से लेके आए थे। जब आते थे गौड़ देश से भक्तजन श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा के लिए जितना भी उत्तम द्रव्य है वो सब लेके आते थे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी तो यहाँ संन्यास लीला कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं करते थे। जगदानंद पंडित वे तो सत्यभामा के अवतार थी, एक बार वे इत्र लेके आई, बंगाल में जितने भी प्रसिद्ध इत्र है उसको एकत्रित करके ऐसे बड़ा सा मिट्टी का घड़ा जैसा छोटा सा घड़ा उसमें इत्र भर के लाई कि इसको श्रीमान महाप्रभु जी अपने श्रीअंग पे लगाएंगे बोल के। अभी श्रीमान महाप्रभु जी ठहरे बैरागी बाबा, सन्यासी बाबा, वो कहाँ इत्र लगाएंगे, उसके इत्र को महाप्रभु जी ने अस्वीकार कर दिया। बोलते लोग मुझे क्या कहेंगे मैं इत्र लगाऊंगा तो। अब ये दाक्षिण्य स्वभाव के सत्यभामा जी जगदानंद पंडित, अच्छा मेरे लाया हुआ वस्तु को आप नहीं लोगे, वो गुस्से में उस इत्र का पात्र को जोर से मिट्टी में डाल दिया, फेंक दिया। ऐसा प्रेम का स्वभाव है। बोलते इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के साथ जो भक्त लोग आए थे वे बासमती चावल लेके आए थे और वे बासमती चावल गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने वहाँ टोटा गोपीनाथ जी के लिए भोग लगाया और उस उपवन में, उस जमेश्वर उपवन में जितने भी साग सब्जी होता था सबको संग्रह करके सुंदर रूप से रंधन करके गोपीनाथ जी को भोग लगाया कि नित्यानंद प्रभु आके प्रसाद पाएंगे बोल के। बोलते उसी समय जब भोग लगा करके वे मंदिर से बाहर आए, देखते हैं वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। अरे महाप्रभु जी को तो मैं सोचा भी नहीं था महाप्रभु जी आएंगे बोल के। तो महाप्रभु जी को देख करके गदाधर जी बड़े हर्षोल्लासित हुए और तीनों श्रीमान नित्यानंद प्रभु, गदाधर गोस्वामी प्रभु और श्री महाप्रभु जी परमानंद से वहाँ पर श्री टोटा गोपीनाथ जी का प्रसाद का सेवन किया। अचानक महाप्रभु जी वहाँ प्रकट हो गए। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी ने
जब वृंदावन जाना चाह रहे थे तो विशेष रूप से श्री राय रामानंद जी और सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न करते थे कि नहीं प्रभु, आप नीलाचल धामवासी वैष्णव को छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पर ये लोग किस प्रकार से आपके विरह में, किस प्रकार से आपके विरह में रह सकते हैं, हैं? इसीलिए वे लोग महाप्रभु जी को वृंदावन जाने के लिए रोकते थे। लेकिन जैसे ही तीसरे वर्ष का चातुर्मास्य का समय आया तो समस्त गौड़ देश से भक्तगण अकेले नहीं आते थे, सब अपने अपने सहधर्मिणियों को लेकर के वहां आते थे। सब भक्तजन अपने परिवार के साथ विशेष रूप से पत्नियों को लेकर के श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए चातुर्मास्य में पूरी धाम में वास करने के लिए, श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए और जगन्नाथ जी को रथ में दर्शन करने के लिए सब लोग आते थे। बोलते वहां से सब भक्तजन रथ यात्रा दर्शन करके जब वापिस जाने लगे तो वापिस जाने के समय में कुलीन ग्रामवासी जो भक्तजन थे वे श्रीमन महाप्रभु जी के पास जाके बैठ गए और कहते हैं प्रभु, हम लोग वैष्णवों के लक्षण के विषय में सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको वैष्णवों के लक्षण सुनाइए। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम तीनों के लक्षण को विस्तार रूप से श्रीमन महाप्रभु जी वर्णन करके सुनाते हैं। उसके बाद फिर श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय में ये उद्गार आ रहा है कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, हैं? तो उसके उनके ऐसे उत्कंठा को देख करके सभी भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु जी को बोलते विजया दशमी के दिन ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करने के लिए सब लोगों ने आग्रह किया, ऐसा परामर्श दिया। तो सब भक्तों के परामर्श के अनुसार श्रीमन महाप्रभु जी ने विजयादशमी के दिन ही वृंदावन यात्रा करने के लिए प्रस्तुत हुए। जाते समय रास्ते के में किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो इसलिए राजा प्रतारुद्र ने अनेक प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी की जाने की व्यवस्था किया। ना ही केवल व्यवस्था किया, श्रीमन महाप्रभु जी जब नीलाचल से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे थे उसी समय स्वयं राजा प्रताप रुद्र दे, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद और हरिचंदन ये भी श्रीमन महाप्रभु जी के साथ चल पड़े। कि श्रीमन महाप्रभु जी के उस विच्छेद को सहन कर पाना उनके लिए तो असह्य था ही, और सबसे ज्यादा असह्य था गदाधर पंडित गोस्वामी। यद्यपि राजा प्रताप रुद्रदेव, राय रामानंद और हरिचंदन ये लोग श्रीमन महाप्रभु जी के साथ थोड़े दूर जाने के लिए परामर्श लिया था कि प्रभु हम आपको वहां तक जाकर के छोड़ के आएंगे, लेकिन गदाधर पंडित गोस्वामी कोई परामर्श भी नहीं लिया, कोई अनुमति भी नहीं लिया, और जैसे महाप्रभु चल पड़े वे भी उनके पीछे 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 तब श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं गदाधर जी को कि गदाधर, तुमने तो क्षेत्र संन्यास ले रखा है और तुम क्षेत्र को छोड़कर के किस प्रकार से जा सकते हो? क्षेत्र संन्यास लेने से क्षेत्र छोड़ के जाना निषेध है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी निषेध किया। तब गदाधर पंडित गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जहां हो वहीं पर ही मेरा क्षेत्र है, वहीं पर ही नीलाचल है। जहां तक क्षेत्र संन्यास की बात है वो तो भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो क्षेत्र संन्यास। जहां तुम्ही सही नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ रसातल,
रसातल में चले जाए वो क्षेत्र क्षेत्र संन्यास, आपको छोड़ करके आपके विरह के बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तो श्रीमान महाप्रभु जी फिर समझाते हैं, नाना ऐसा मत बोलो, देखो तुम गोपीनाथ जी का सेवा करते हो, गोपीनाथ जी की सेवा को छोड़ करके तुम कैसे जा सकते हो, क्या वे प्रसन्न रहेंगे? गोपीनाथ जी को सेवा को छोड़ने से क्या गोपीनाथ जी प्रसन्न होंगे? तो कहते हैं गदाधर गोस्वामी जी, प्रभु आपके पाद पद्मों के दर्शन से ही तो करोड़ों गोपीनाथ की सेवा हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो श्रीमान महाप्रभु जी फिर कहते हैं कि देखो गोपीनाथ जी की सेवा को छोड़ोगे तो दोष लगेगा, उस दोष से तुमको दोषी होना पड़ेगा। तो गदाधर पंडित कहते हैं कि क्षेत्र संन्यास का जो प्रतिज्ञा होता है उस प्रतिज्ञा को भंग करने का जो दोष है, गोपीनाथ जी के सेवा को छोड़ करके जाने का जो दोष है, वो तो मुझे लगेगा, तो लगने दो ना, उसमें क्या है, आप बस मुझे चलने दीजिए। उस दोष से चाहे मुझे करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में भी रहना पड़े तो भी वो ग्रहणीय है, लेकिन आपके पाद पद्मों के दर्शन के बगैर, आपके पाद पद्मों के विरह से मैं नहीं रह सकता। जब गदाधर जी अनेक प्रकार से समझाने पर भी नहीं माने तो महाप्रभु जी उनको समझाते ही रहे। अंतिम में हुआ ये, गदाधर जी यहाँ तक माने ठीक है, अगर मुझे वृंदावन तक भी जाने ना दो तो मुझे, क्योंकि पुरी से नदिया होते हुए ही वृंदावन जाना पड़ता है, वहाँ से सीधे नदिया से फिर झारखंड होते जाना पड़ता है, तो ठीक है फिर तो मुझे वहीं तक अपने साथ तक जाने दो, हैं, मैं वहाँ से जा करके फिर सची माता का चरणों का दर्शन करके फिर मैं वापिस आ जाऊँगा। तो ऐसा गदाधर जी का श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रति ऐसा जो अद्भुत प्रीति है, अद्भुत प्रेम है, वो केवल गौरांग महाप्रभु जी के इन अंतरंग पार्षदों के व्यतीत और किसी में ऐसा प्रीति को संजो करके रखने का सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि राग मार का जो प्रेम है उसको इतना आसानी से कोई नहीं समझ सकता। राग मार के प्रेम को अपने हृदय में धारण करने के लिए भी पात्रता होना चाहिए। इसलिए गदाधर जी ने महाप्रभु जी के लिए अपने प्रतिज्ञा ऐसे कि कृष्ण सभा को छोड़ने कर के लिए भी तैयार है। तो वहाँ कटक में पहुँचने के बाद महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित जी को अपने पास बुला के कहते हैं कि गदाधर देखो, तुम अपना उद्देश्य, अपना प्रतिज्ञा और गोपीनाथ जी का सेवा इसको छोड़ दोगे और तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे खुश हूँगा, मुझे उसे आनंद मिलेगा? अगर तुम मेरा सुख चाहते हो, मेरा प्रसन्नता चाहते हो, तो मैं जिस प्रकार से बोलता हूँ तुम उस प्रकार से करो। अभी महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित गोस्वामी जी को अड़चन में डाल दिया कि तुम मेरे खुशी के लिए मेरे साथ चलने को उद्यत चल रहे हो ना, लेकिन मेरे साथ चलने से मैं इतना खुश नहीं होगा, मैं जितना खुश ठाकुर जी के सेवा नीला छोटा गोपीनाथ जी का सेवा करने से होगा। इसीलिए
अगर तुम मेरा सुख चाहते हो तो तुम नीलाचल वापिस चले जाओ। और इसके बाद भी और कोई बात तुम मेरे से बोला, ये अंतिम उपदेश है। अगर मेरा सुख चाहते हो तुम नीलाचल वापिस चले जाओ, इसके बाद अगर कोई तर्क वितर्क किया तो देखो अच्छा नहीं होगा। मैं शपथ करके बोल रहा हूँ, सिमर महाप्रभु जी ऐसे बोलते हैं। समय तो हो गया, गदाधर पंडित जी का बाकी का लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यो पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।